भाई अगला दिन स्टार्ट हो गया। भाई ये दोनों जा रहे हैं सुमित भाई के पास में, और यहाँ पर हम चार लोग यहाँ पर रुके हुए हैं ट्रैक्टर के पास में। ये 4x4 यहाँ पर खड़ा है और 50RD इस शॉप के साइड में खड़ा है। हम यहाँ पर रुकेंगे दो या तीन दिन, इन्वर्टर वो काम हो रहा है। और अनिल भाई और अंकित भाई गए सुमित भाई के पास में। ये देखो 50RD में टर्बो काम इतना हो गया, मतलब इसकी शुरुआत हो गई, फिटिंग फाइटिंग की टेस्टिंग चल रही है इसकी। ये देखो इसका एयर फिल्टर भी निकाल दिया है, ये भी चेंज होगा। टर्बो लग रही है, नॉर्मल टर्बो लग रही है इस पर फार्मिंग की, खेत में काम करने की। और 50RD पर पता नहीं अभी कौन सी लगी, ये सेफ रही और ये मालिक रहे। हेलो भाई साहब, ये क्यों निकाल लियो? ये मिस्त्री टर्बो लगा रहे हैं जो। होटल में रुके हुए हैं और अभी होटल में आए ही हैं। आपने देख लिया होगा 50RD 4x4 में कितना काम होगा कितना नहीं हुआ। अभी क्या काम चल रहा है भाई? टर्बो डलवाने की तैयारी चल रही है भाई। तो अभी 4x4 जो 50RD है उसकी फिटिंग चल रही है, टर्बो की फिटिंग बन रही है, और कल तक शायद 50RD की टर्बो की फिटिंग कंप्लीट हो जाएगी। और फिर परसों टोचन किंग जो अपना अंकित भाई का, उसके अंदर टर्बो डलने स्टार्ट होगी और 2 दिन उसके अंदर लगेंगे। मतलब यहाँ पर 1 दिन तो हो गया है, हमें 3 दिन और लगेंगे। 3 दिन के बाद में हम जाएंगे कहाँ पर भाई? पानीपत। किसके पास में? निशु भाई द्वारा जाएंगे 3 दिन बाद में। और अभी हम 3 भाई तो यहाँ पर है होटल के अंदर, और जो 3 भाई अपने, एक तो 50RD के वाले हैं वो अपने किसी दोस्त के पास गए हुए हैं 1 दिन के लिए, और अंकित भाई अनिल भाई वो दोनों भाई 855 को लेकर गए मॉडिफाई करवाने के लिए, उसके अंदर छतरी यू पाई बढ़िया सा म्यूजिक सिस्टम वो डलवाने के लिए। वो दोनों गए हुए हैं उस ट्रैक्टर को मॉडिफाई करवाने के लिए। क्या क्या चीज डलवा के लाएंगे भाई इसके अंदर 855 में? फाइबर वुड डलवाएंगे और म्यूजिक सिस्टम, हाँ, और आगे वाला बम्पर। अच्छा, मॉडिफाई वाला बम्पर, हाँ, छोटा मोटा काम और करवाएंगे। अच्छा अच्छा, तो ये इतने काम होंगे भाई 855 के? उसका पंप मॉडिफाई करवाएंगे, एक पंप मॉडिफाई भी है ना, पंप मॉडिफाई, म्यूजिक सिस्टम, यू पाई, फाइबर वुड और बम्पर का, ये इतने काम होंगे 855 के। तो अभी आज के वीडियो आपने बता ही दिया आपको कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ, बाकी जो कल काम होता है वो भी बताएंगे आपको कल क्या काम होगा कितना होगा। हाँ जी, तो राम राम सर भाई ने अगला दिन स्टार्ट हो लिया है, और हम तीनों भाई नहा धो के, सुल्तान मैं और ये भाई नहा धो के तीनों आ लिए हैं सरदार जी के पास में। अंकित और अनिल तो गए हुए हैं स्वराज को लेकर, और जो एक भाई और है वो अपने दोस्त के पास गए हुए हैं, और हम तीनों यहाँ पर ट्रैक्टर के पास ही रुके हुए हैं कल से, कल सुबह से हम तीनों यहाँ ट्रैक्टर के पास में। और आज अपने दोनों ट्रैक्टर आ गए, दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो, ये तो 4x4 50RD, और ये पीछे अपना टोचन किंग आ लिया आज। अभी इसकी शेप शाप नहीं उतरी है, इसमें काम हो लिया है लगभग 70-80% काम हो लिया है इसके अंदर, थोड़ा और बचा है बस, और बाकी टोचन किंग का काम स्टार्ट होने वाला है। अब इसकी शेप शाप खोलेंगे और फिर इसका भी काम स्टार्ट होगा आज। ये अपने सरदार जी टर्बो लगवाने वाले, इसकी भी एयर फिल्टर वगैरह निकाल दिए। आज इसका काम स्टार्ट हो जाएगा ना, आज इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। और इसका शायद हो गया लगभग ना, थोड़ा और बच्चा इसका, तो एक पाइप अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी रेडी है तो बाकी तेल की सप्लाई होनी है। अच्छा, तेल की जो ऑयल इंजन से इसमें देना है टर्बो में, हाँ, वो रह रही है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, तो भैया अब ट्रैक्टर को दिखा दिया आपको कितना काम चल रहा है, कितना हो गया कितना नहीं हुआ। और अब जाएंगे हम स्टेयरिंग वगैरह म्यूजिक सिस्टम देखने बाहर शहर में, स्टेयरिंग वगैरह सामान देख रहेंगे थोड़ा, एक तो स्टेयरिंग लाना है हमको, एक दो म्यूजिक सिस्टम देख के आने हैं, उनके लिए जाएंगे अभी बाहर।
6000 ये भाई नई पेटी के तार तोड़ देने लाग रहे हैं जो अपने ट्रैक्टर पे लगी हुई है ना, दो सब ऊपर और नौ स्पीकर 6 इंची के 15 इंची के दो सब ऊपर है। इसकी टेस्टिंग कराने वाले हैं अभी आपको। इसकी पहनी ना पाता हूँ, देश पहनी में ना हो। ठीक है ना भाई।